नमस्कार, मैं आचार्य संजय, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। अक्टूबर 2021 वृष राशि का राशिफल। वृष राशि ये 12 राशियों में से मेष के बाद द्वितीय स्थान पे है। वृष राशि में राहुदेव चल रहे हैं, आखिरी नक्षत्र पे अगला 8 महीना चलेंगे। स्वाभाविक बात है, वृष राशि जब भी कोई पाप ग्रह, कोई भी राशि जब उसमें लग्न पे जब भी पाप ग्रह का गोचर होते रहता है, थोड़ा सा हिला हुआ रहता है सिस्टम, ये स्वाभाविक बात है। फिर भी आप वृष राशि से जब राहुदेव गोचर कर रहे हैं तो गुरु बृहस्पति का भी दृष्टि उसमें है, इसलिए तमाम आप सुरक्षित और अच्छे से रहेंगे। और वृष राशि का लग्न में ही, राशि में ही राहुदेव का गोचर है और ठीक वहाँ से ठीक पंचम स्थान कन्या राशि में मंगल और सूर्य का गोचर है। तुला के राशि में बुध और शुक्रदेव बैठे हुए हैं और आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवम स्थान पे गुरु बृहस्पति और शनिदेव का गोचर अभी चल रहा है। स्वाभाविक बात है, इस महीना इस गोचर फल से और बाकी चंद्रमा के भिन्न भिन्न गोचर फल पे भिन्न भिन्न तारीख पे जब चंद्रमा का गोचर और उसका फलादेश के अनुसार मोटा मोटी अगर कहा जाए तो वृष राशि इस महीना बहुत अच्छा चलने वाले हैं, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन के बाद थोड़ा हलचल और थोड़ा परिवर्तन का योग तो दिख रहा है, यह स्वाभाविक बात है। इस महीना आपके बहुत सारे कार्य सिद्धि होंगे, स्वाभाविक गोचर बता रहा है, और आपको बहुत सारे बंधुओं से सहयोग मिलेगा, यह भी स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। इस महीना आपका शरीर मन बहुत अच्छा रहेगा और इस महीना पे नया लोग मिलने का, लोक संपर्क बढ़ने का, और अगर आप सोशल मीडिया में भी हैं तो वहाँ भी कुछ अच्छा होने का दिख रहा है, और आय भाव भी बहुत बढ़िया है, आय भी आपका दिखाई दे रहा है कि हाँ आय भी बहुत अच्छा होने वाला है आपका। तीसरा बात है कि आपका नौकरी क्षेत्र पे अगर आप लोग नौकरी पेशा हो तो उसमें भी मान सम्मान बढ़ने का योग दिखा रहा है। व्यवसाय में अगर आप व्यवसायी हो, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें भी आप टॉप में रहोगे, यानी आपके लेवल के लोगों से आप टॉप में रहोगे, और स्वाभाविक बात है कि आप इस क्षेत्र पे व्यवसाय क्षेत्र में भी लाभवान दिखा रहा है। बच्चे छात्र जो पढ़ लिख रहे हैं और वृष राशि वाले, वृष लगन वाले हैं, तो उनका भी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होगा, स्वाभाविक पढ़ाई में मन लगेगा। एग्जामिनेशन परीक्षा वगैरह दे रहे हो तो उसमें भी उतरने का चांसेस है और शुभाशुभ फल मिलने का भी चांस है। हो सकता है आप 1-2 तारीख से थोड़ा सा दुस्साहस करने का संभावना बता रहा है कि आप दुस्साहस करोगे ही। इस दुस्साहस के साथ हो सकता है आपका शरीर पे थोड़ा सा कष्ट हो, शारीरिक कष्ट भी होने का संभावना दिख रहा है, और 3-4 को आप कुछ बंधु मिलन भी होंगे, साथ में आपका थोड़ा सा मानसिक दुख भी रहने का संभावना बता रहा है। 5-6-7 के समय आपके बहुत सारे कार्य सिद्धि होंगे, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और सुख सम्मान पाने का भी संभावना है। 8 और 9 में आपको बहुत एनर्जेटिक और ऊर्जावान अनुभव होगा और आपका दिन आमोद प्रमोद और बहुत आनंद उल्लास में जाने का संभावना है। 10 और 11 स्वाभाविक आप का कोई भी कार्य में बाधा आने का संभावना है, पत्थर धोने का संभावना है, और थोड़ा सा व्यस्त आप बिना मतलब का व्यस्तता आपके जीवन पे रहेगा ही रहेगा। और 12, 13 और 14 अक्टूबर का जो समय रहेगा, आप थोड़ा सा सुख का अनुभव करेंगे, रिलैक्स अनुभव स्वाभाविक होगा, जो भी तनाव अगर कोई काम कार्य व्यस्तता रहेगा वो थोड़ा सामान्य होने का संभावना बता रहा है। और आपके जो भी प्रतीक्षा इतना दिन से कर रहे थे उसका समापन होगा, यानी आप उन कार्यों पे सफलता होने का भी संभावना दिख रहा है, और लेकिन फिर भी आप आशंकित रहेंगे, बिना मतलब का द्वंद में भी उस समय रहेंगे। 17, 18, 19 आप लीडरशिप लेंगे, किसी ना किसी पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र पे लीडरशिप लेंगे, और परिश्रम आपका उस समय थोड़ा सा ज़्यादा होने का संभावना है। और साथ में 20-21 तारीख आते आते
आप थोड़ा सा किसी कहीं ना कहीं तर्क वादानुवाद में पड़ने का चांसेस दिख रहा है, और मानसिक चिंता अवसाद आने का भी संभावना। और 23-24 आप अपने जीवन को अनुध्यान करेंगे, थोड़ा सा चिंतन आपका रहेगा ही, और 24-25 में थोड़ा सा क्रोध भावना आपके अंदर आने का ज़्यादा संभावना है, और मानसिक दुश्चिंता और छोटा मोटा दुर्घटना घात चंद्र टाइप होने का भी संभावना दिखा रहा है। और 26-27 स्वाभाविक बहुत सारे मित्रों के साथ मिलना और उनका सहयोग प्राप्त करना और अस्वस्थी अनुभव करना यानी रिलैक्स अनुभव करने का चांसेस है। 28-29 तारीख आते आते थोड़ा सा बीमार कहीं अस्वस्थता थोड़ा सा कुछ देर के लिए आपको इस प्रकार का रहेगा। और 30 जनरली आप चाहेंगे विश्राम करने के लिए। 31 30 31 कुछ मित्रगण आपसे मिल सकते हैं। तो ये मोटा मोटी वृष राशि के लिए 2021 राशिफल। और जब भी चंद्र अष्टम आपका होगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब चंद्र अष्टम रहेगा वृष राशि का अक्टूबर महीना में, वृष राशि से अष्टम स्थान यानी धनु राशि में जब भी चंद्र चंद्रदेव का गोचर रहेगा, उस समय थोड़ा सा सावधान रहिए। बाकी कुल मिला के ठीक ठाक चल रहा है। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबाइए। ये सामान्य राशिफल था यह इस महीने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।